कल का और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में आज हम बात करेंगे सैफ अली खान के बारे में और नजर डालेंगे उनकी पर्सनल लाइफ पर। बात करें सैफ अली खान के बारे में तो करीना कपूर और सैफ अली खान जो कि एक रॉयल कपल के तौर पर तो जाने जाते हैं, लेकिन सैफ से पहले सैफ की बात करें तो सैफ की जिंदगी में करीना से पहले अमृता थी। जी हाँ, अमृता जो कि उनकी एक वाइफ अब मानी जाती हैं। बता दें कि एक टाइम पर ये दोनों कपल जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कपल के तौर पर नज़र आते थे और लोग इनको देख के काफ़ी खुश होते थे, लेकिन एक टाइम पर ऐसा आया कि दोनों के रिश्ते टूट गए। जी हाँ, दोनों के रास्ते अलग हो गए। अमृता सैफ से उम्र में 13 साल बड़ी थी। सोचिए, उम्र की दीवार इन दोनों ने अपने बीच कभी भी आने नहीं दी। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ एक टाइम पर सैफ स्ट्रगलर थे, उस टाइम पर अमृता एक टॉप की एक्ट्रेस। फिर भी उन दोनों ने शादी की और शादी जो कि इतने लंबे समय तक चली, फिर उसके बाद टूट गई। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि कहा जाता है कि सैफ के जो अफेयर्स के चर्चे थे उससे अमृता काफ़ी परेशान हो गई थी और गुस्से में उन्होंने एक दफ़ा ऐसा कर दिया था कि उन्होंने सैफ को फ्राइंग पैन से मार दिया था। जी हाँ, इंटरव्यू में अमृता ने ऐसा खुलासा किया था अपने एक। तो आज हम आपको अमृता सैफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे। तो चलिए नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। सैफ अली खान और करीना कपूर खान आज एक रॉयल कपल में से एक माने जाते हैं। जी हाँ, आज सैफ अली खान और करीना कपूर को बेस्ट कपल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि सैफ अली खान और करीना कपूर से पहले उनकी जो एज अ कपल बॉन्डिंग वो अमृता सिंह के साथ दिखाई जाती थी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सैफ अली खान जो कि करीना कपूर से पहले, एक ऐसा वक्त था जब एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधे थे और एक हैप्पी कपल के तौर पर जाने जाते थे। कहा जाता है कि सैफ से अमृता उम्र में पूरे 13 साल बड़ी थी। साथ ही साथ प्यार इस हद तक था कि दोनों के बीच उम्र की कोई भी दीवार नहीं थी। दोनों उम्र को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। तभी तो सैफ अली खान ने अपने से 13 साल बड़ी अमृता से शादी की। वेल, आप सभी को बता दें कि शादी का जो फैसला अमृता सिंह के लिए भी काफी बड़ा था, क्योंकि उस समय अमृता सिंह बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार थी, जबकि सैफ उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं अमृता सिंह उस समय टॉप ऑफ द स्टार थी फीमेल एक्ट्रेसेस में और सैफ अली खान का वो स्ट्रगलिंग टाइम था। एक स्ट्रगलर के तौर पर सैफ अली खान जाने जाते थे। बता दें कि शादी उन दोनों की काफ़ी अच्छी चली, लेकिन कहा जाता है कि शादी के करीब 12 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। जहां दोनों की शादी में एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार दिखता था, लेकिन ये प्यार 12 साल बाद तलाक पर आकर रुक गया। जी हाँ, दोनों की शादी टूट गई। सैफ और अमृता ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। आप सभी को बता दें कि सैफ और अमृता की जो तलाक की वजह ये भी बताई गई कि वो थे सैफ अली खान के अफेयर्स। जी हाँ, कहा जाता है कि सैफ अली खान के अफेयर्स के चलते अमृता ने सैफ से तलाक ले लिया था, क्योंकि वो सैफ अली खान के अफेयर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। आप सभी को बता दें कि अमृता सैफ को लेकर काफी इनसिक्योर भी रहती थी। जी हाँ, उनकी हरकतों से काफी बार ऐसा हुआ था कि सैफ और अमृता में कई बार दोनों में लड़ाइयां भी हुई हैं। आप सभी को बता दें कि अमृता सैफ को लेकर कई सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जहां दोनों की बातें सामने आई हैं। आप सभी को बता दें कि अमृता ने सैफ को लेकर इंटरव्यू में एक ये भी बात कही थी कि उन्होंने सैफ पर गुस्से में फ्राइंग पैन यानी तवा तक मार दिया था। जी हाँ, काफी हैरानी वाली बात है, लेकिन खबरों की माने ये सच है। अमृता ने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि सैफ कई बार लापरवाही करते थे। उन्हें अमृता नकारा इंसान की तरह ट्रीट करती थी। कहा जाता है कि सैफ और अमृता सिंह की पहली मुलाकात राहुल रेवल की फिल्म बेखुदी के सेट पर हुई थी। हालांकि तब सैफ ये बात काफी अच्छा तरह से जानते थे कि अमृता उनसे उम्र में बड़ी है। इसके बीच दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी चली,
जी हाँ, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। पहले बातें हुई, फिर दोस्ती हुई, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब तब्दील हुई इन्हें पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ दोनों उस टाइम पे हैप्पी कपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों उस टाइम पर हैप्पी कपल के तौर पर जाने जाते थे। अफसोस कि जब राहुल रेवल को इस बारे में पता चला, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात हुई थी, तो सैफ फिल्म से ज़्यादा अमृता पर ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने सैफ अली खान को फिल्म से निकाल कर कमल सदाना को उनकी जगह कास्ट कर लिया था। सैफ इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। हालांकि इसके बाद भी सैफ और अमृता के बीच जो कह सकते हैं जो उनका रोमांस था वो चलता रहा, और ये रोमांस परवान चढ़ गया। वो अमृता के घर खाना खाने भी चले गए, यहाँ तक कि दोनों ने मिलकर जल्दी शादी करने की भी डेट को फाइनल कर लिया था। सैफ ने अमृता से बहुत ही प्राइवेट तरीके से शादी रचवाई थी, क्योंकि उनके पिता नवाब पटौदी इस शादी के खिलाफ थे। अमृता और सैफ के दो बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम। अमृता से तलाक लेने के बाद कुछ साल बाद सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी कर ली। सैफ और करीना का बेटा है जिसका नाम तैमूर है। तैमूर अभी काफी छोटा है लेकिन लाइमलाइट में रहता है। वहीं सैफ की बेटी सारा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। आप सभी को बता दें कि सैफ और अमृता सिंह की बॉन्डिंग को लेकर काफी ज्यादा जो बातें थी उस टाइम पे बनी, लेकिन कहा यह जाता है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि सैफ की वजह से उनका रिश्ता टूटा है। तो वहीं अमृता कई दफा ये भी कहती हुई नजर आई जो उनके टूटने के रिश्ते की जो वजह है वो कहीं ना कहीं सैफ अली खान खुद भी हैं। जी हाँ, जहां दोनों के ऊपर एक दूसरे का आरोप लगता रहा कि ये शादी ना चलाने का जो आगे रीजन है, कहीं ना कहीं उन दोनों को एक दूसरे को बताया गया। फिलहाल सैफ अली खान करीना कपूर के साथ अपनी लाइफ में खुश हैं और मूव ऑन कर चुके हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से सैफ और अमृता का रिश्ता एक बेहद ही खास रिश्ता रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में जहां जितना प्यार था उतने ही प्यार वो खत्म होता चला गया, और उसके बाद रिश्ते में दरार आती चली गई। वेल, आपको बता दें कि ये रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सैफ अली खान जो कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, करीना कपूर के साथ एक हैप्पी कपल जो कि दोनों माने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं साथ में, और साथ ही साथ बात करें तो वहीं अमृता की बेटी सारा जो कि फिल्मों में डेब्यू को लेकर तैयार हैं, और उनके डेब्यू का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिरकार सारा डेब्यू कब करेंगी। तो वहीं बात करें सैफ और करीना बेटे तैमूर अली खान की, तो उनका बेटा तैमूर अली खान जो कि स्टार किड में पॉपुलर बन चुका है, जी हाँ, पॉपुलर स्टार किड में से एक माना जाता है तैमूर। उनकी हर एक फ़ोटो की झलक पाने के लिए फैंस काफ़ी बेताब रहते हैं, मीडिया बेताब रहती है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि आज हर कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, फिर चाहे वो अमृता हो, सैफ हो। वेल, तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने बात की सैफ अली खान और अमृता के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास शो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।